Hello everyone, we are team of Monica Nursing Academy. We are here with the explanation of medical surgical questions. First question tha, pain and tenderness in the region of symphysis pubis is an indicative of, right answer will be pelvic fracture, kyunki yahan pe pucha hai. Pain or tenderness ho rahi hai, specific region bataya hua hai symphysis pubis, to kahan pe hota hai, that is in the pelvic cavity. So that's why answer is option number A, that is a pelvic fracture. Next question tha, question number 9. क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा हुआ है व्हिच एग्जामिनेशन इज डन टू कंफर्म द टीबी मेनिनजाइटिस. यहां पे स्पेसिफिक पूछा हुआ है टीबी मेनिनजाइटिस के केस में हम कौन सा टेस्ट करेंगे. सो आंसर इज सीएसएफ एग्जामिनेशन, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एग्जामिनेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ डिमेंशिया, सबसे मोस्ट कॉमन फॉर्म जो होती है डिमेंशिया की, दैट इज अल्जाइमर डिजीज, क्वेश्चन नंबर 13. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 था लेडिक सेल्स अक्कर इन, लेडिक सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, दैट इज इन टेस्टिस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 27, लंग्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ नैरो ट्यूब्स, उन्हें क्या बोला जाता है, तो लार्ज नंबर ऑफ नैरो ट्यूब्स को बोला जाता है ब्रोंकियोल्स. नेक्स्ट इज आर एच फैक्टर, आर एच फैक्टर में ब्लड ग्रुपिंग में पड़ा है, आर एच फैक्टर पॉजिटिव होता है जिन केस में आर एच फैक्टर प्रेजेंट है. अगर हम किसी को बोल रहे हैं कि किसी का ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है, दैट मीन्स उनमें आर एच फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, तो दिस नेम इज आफ्टर, दैट इज मंकी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. नेक्स्ट वन इज लेंथ ऑफ फीमेल यूरेथ्रा, सो जो लेंथ होती है फीमेल यूरेथ्रा की, दैट इज 4 सेंटीमीटर, दैट्स वाई फीमेल आर मोर प्रोन टू गेट अफेक्टेड विद द यूटीआई, दैट इज अ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, गाउट इज ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ, दैट इज यूरिक एसिड, और गाउट में सबसे मोस्ट कॉमन जो साइन है देखने को मिलता है, दैट इज टॉफी, दैट मीन्स बिग टो, एंड इन बिग टो देर इज एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ यूरिक क्रिस्टल. नेक्स्ट वन इज इन सेरिब्रम ऑडिट्री एरिया अक्कर इन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी टेम्पोरल लोब. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, रिसेप्टर ऑर्गन फॉर सेंस ऑफ हियरिंग आर लोकेटेड इन, दैट इज इन द इनर ईयर, आंसर विल बी कॉक्लिया, ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट इज ग्लैंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इज, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अ पैराथायरॉइड. पैराथायरॉइड ग्लैंड रिलीज पीटीएच, पैराथायरॉइड हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द कैल्शियम लेवल इन अ ब्लड. नेक्स्ट वन इज स्प्लीन स्टोर, सो स्प्लीन यूज टू स्टोर आरबीसीज, लिम्फोसाइट, आयरन, सो आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज, एंड आयरन इन द फॉर्म ऑफ द फेरिटिन एंड बिलीरुबिन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 52, which disease is inheritable? Inheritables mean that can be passed to next generation. Answer will be option number B, that is color blindness. Next question is question number 106. Which disease is caused by protozoa? So protozoa include amoeba, flagellates, ciliates, sporozoans. So answer will be malaria. Next question is question number 115. The enzyme pepsin digests which dietary component? जो हमारा enzyme pepsin है वो कौन से dietary component को digest करता है? So answer will be protein, option A. Next one is 116 question. What is the first line of defense in any immune response? So first line defense is option number A, that is anatomical, mechanical and chemical barrier. Next question, question number 117. The wandering phagocytes found in alveoli, these are terms to be as alveolar macrophages. Next question, question number 118. Nurse discovered an electrical fire in a client room. Her first action would be, तो इस केस में जो हम फॉलो करते हैं, that is race, R A C E, R for rescue, that means we have to rescue the endangered patient. A for activate, we have to activate the alarm. Next is C for confine, we have to confine the fire, and last one is E means extinguish the fire. So according to this answer, right answer will be, that is option number C, evacuate any client or visitor in immediate danger. Next question is cost of next question is 121, that is x-ray finding in a patient with pleural effusion reveals the fluid start to build up as a result of gravity in. Pleural effusion means fluid build up kar jata in the pleural cavity. So is case mein iska answer hoga, that is the costophrenic angle. Costo means ribs,
Phrenic is a nerve which used to supply the diaphragm. So its answer is option number. It is a costophrenic angle. Next question is 123. Surgical procedure used to correct a deviated nasal septum. So कौन सी surgery use करते हैं? That is option number A. That is septoplasty. Next question is question number 129. During an organ transplantation, living donor must give consent related to all component except इसने पूछा है कौन सा नहीं देते हैं तो इसका होगा आंसर ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट वन इज 130. कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ सीपैप. आंसर इज क्लॉस्ट्रोफोबिया, फियर ऑफ क्लोज स्पेसेस. हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है वाटर से, पानी से डर लगना. एक्रोफोबिया का मतलब होता है हाइट से डर लगना. नोमोफोबिया का मतलब होता है जैसे अगर आपके पास आजकल जो बहुत कॉमन है, मैं डर के किस्म में देखने को मिलता है, अगर आपके पास आपका फोन नहीं है, ठीक है, तो आपको ऐसा लगता है कि मेरा फोन कहाँ चला गया. सो दैट इज अ बेसिकली अ नोमोफोबिया, दैट मींस नो फोन. नेक्स्ट वन इज 131. पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर. इसका राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए. एल्वियोलर प्रेशर अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 133. दैट इज हीट रेगुलेटरी सेंटर ऑफ बॉडी इज लोकेटेड एट. So it is located at option at hypothalamus. Option number D is correct. Next is normal tidal volume is, that is 500 ml. सबसे the most common fracture जो हमें children के cases में देखने को मिलता है, that is a green streak fracture. Next question is 139. The most common site of hospital acquired infection. सबसे the most common site hospital acquired infection की कौन सी होती है? So that is a urinary tract infection. Next one is 143 question. Most relevant knowledge about oxygen administration to a patient with COPD. It's a chronic obstructive pulmonary disease. तो इस केस में हमें ऑक्सीजन देना होता है at 1 to 2 liter per minute. और patient को why we are providing this much amount of oxygen so that we can create a hypoxic environment and patient will have a stimulus to do the next breathe. Next one is question number 145. Nurse is teaching the client taking cyclosporine after renal transplantation about key medication information. The nurse